तो आइए आपको दिखाते हैं कि मेहरान के जो इंटीरियर कलर पेशी करने जा रहे हैं, सबसे पहले वाली सीटें भी आपको दिखाते हैं, फ्रंट वाली दो सीटें इसकी गोल नहीं है, जैसा कि ये गत्तों का लाइट ग्रे और डार्क ग्रे कलर होता है। ये देखें, ये जेन्युइन कोशिश है, आप इसके ऊपर डबल फोमिंग के साथ सुजुकी मेहरान की पोशी करने जा रहे हैं। तो आए आपको दिखाते हैं पहले वाली सीटें और जौन सा लगाने जा रहे हैं वो भी दिखाते हैं। तो आए चलते हैं शॉप के ऊपर। तो ये देखें कि ये फ्रंट वाली सीट है, अब इसकी जो जेन्युइन सिलाई है स्टिचिंग वगैरह निकली है, तो अब इसको भी रिपेयरिंग करेंगे और इसको डबल फॉर्मिंग के साथ तैयार करेंगे। तो आए आपको साथ साथ दिखाते हैं कि कौन सा इसमें मटेरियल लगाने जा रहे हैं। पहले लाइट ग्रे और डार्क ग्रे होता है, सेंटर में डार्क ग्रे, साइडो पे लाइट ग्रे। अब सेंटर में लाइट ग्रे और साइडों पे डार्क ग्रे कलर पसंद किया डबल स्टिचिंग के साथ, लेदर स्टिचिंग डबल फॉर्मिंग के साथ। तो आए साथ साथ फिटिंग का काम शुरू हो गया, वो भी आपको दिखाते हैं। तो उस्ताद जी फिटिंग कर रहे हैं, ये देखें इस तरह नीचे हम स्टिचिंग करते हैं, डबल फॉर्म लगाते हैं अच्छे वाला, ये ही सीटें इस तरह बनेंगी जैसे कंपनी फिटिंग है। तो आए आपको फिटिंग करके साथ साथ दिखाते हैं। तो अगर इसकी फिटिंग पे आए बैक की, तो ये जो कारपेट होता है जर्मन तरीके से हम इसी तरह नीचे इसकी फिटिंग करनी है हमने क्लंपों के अंदर, क्योंकि अक्सर लोग ऊपर डोरी वगैरह डाल देते हैं, डोरी नहीं डालेंगे, इसको मुकम्मल खोलेंगे। ये देखें साथ साथ खोल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह इसके क्लिप निकालने बाहर। ये क्लिप इसी तरह निकाल के इस फिटिंग के अंदर इसकी मुकम्मल फिटिंग करके इसी तरह ही कारपेट ऊपर लग जाएगा डिग्गी वाला। तो आए फिटिंग का काम साथ साथ हो रहा है। तो एक सीट मुकम्मल हो गई, वो भी आपको दिखाते हैं, नीचे वाली सीट भी होगी। तो ये देखें कि ये वही सीटें जो पहले आपको दिखा रहे थे कि बिल्कुल हार्ड थी, अब इसको डबल फॉर्मिंग के साथ देखें कि तैयार किया लाइट ग्रे और डार्क ग्रे कलर के साथ। तो आए मुकम्मल फिटिंग करके आपको दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि सीटें मेहरान की मुकम्मल हो गई, जो बैग आपको दिखा रहे थे पहले वाली, अब इसके ऊपर डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के साथ कंट्रास्ट किया डबल फॉर्मिंग के साथ। ये देखें बिल्कुल हर चीज अपनी जगह पे है। और नीचे वाली सीट पे आए तो ये देखें कि ये भी मुकम्मल फिटिंग हो गई है और फ्रंट बैक सीट भी होगी। तो आए वो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। तो ये देखें कि ये वही सीटें जो पहले आपको दिखा रहे थे कंपनी फिटिंग वाली, अब हमने इसके ऊपर पोशी मुकम्मल की है। तो आए गाड़ी के अंदर फिटिंग करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह का इंटीरियर कलर मैचिंग कलर है। चलते हैं मेहरान के अंदर, आपको दिखाते हैं कि जैसा कि आपको कारपेट का दिखा रहे थे, तो ये देखें बिल्कुल हर चीज अपनी जेन्युइन फिटिंग के अंदर इसको मुकम्मल फिटिंग किया, डिग्गी देखें कि कोई डोरी वगैरह नहीं। तो आए चलते हैं दूसरी सीटों की तरफ, आपको दिखाते हैं। और जैसा कि इसकी जो बैक सीट है, ये देखें कि गत्तों के साथ इसको कंट्रास्ट किया लाइट ग्रे और डार्क ग्रे कलर के अंदर डबल फॉर्मिंग के साथ। आप देखें कि कलर इसका जेन्युइन हमने रखा है जैसा कंपनी फिटिंग होती है, कोई इसमें डिजाइन एक्स्ट्रा नहीं किया, कंपनी की कॉपी की है जैसे कि कंपनी फिटिंग होती। तो आए फ्रंट सीटें भी आपको दिखाते हैं, पहले भी दिखा रहे थे, तो अब आप देखेंगे ये वही बिल्कुल प्रॉपर जेन्युइन फिटिंग के साथ तैयार किया है, कोई इसमें हमने डिजाइनिंग वगैरह नहीं किया, जैसे कंपनी फिटिंग आती है उसी तरह हमने गाड़ी तैयार की है। तो आए चलते हैं अगली वीडियो में, आपको मजीद इन्फॉर्मेशन देते हैं कौन सी गाड़ी का इंटीरियर कलर तैयार करने जा रहे हैं।